साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथा अदालत में पनाह ले रखी थी। साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी सुबह से ही हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को केस में गिरफ्तार किया गया और अभी ये नहीं बताया जा रहा। अली अमीन गंडापुर तमाम मुकदमात में जमानत हासिल कर चुके थे। पुलिस की जानिब से इन्हें अदालत में हाजिरी से रोका जा रहा था। साबिक वफाकी वजीर आज दिन 1:30 बजे अदालत पहुंचे तो जज कुछ देर पहले जा चुके थे। टीपीओ ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हाईकोर्ट के हाथे को घेरे में लिए रखा। अली अमीन गंडापुर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक वफाकी वजीर के वकील ने बताया कि डीपीओ डेरा इस्माइल खान की क्यादत में पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। डीपीओ से मुजाकरात किए मगर वे सुध रहे।